हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे 2019 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पुरस्कार पढ़ते हैं। पहला है 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया? किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया। 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? इकबाल श्रीवास्तव उर्फ अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया। इसका इनको इकबाल मूल नाम इकबाल श्रीवास्तव है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? हेल्लारो थी। ये गुजराती फिल्म है। कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हेल्लारो। गुजराती भाषा में यह गुजराती फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? आदित्य धर थे। कौन थे? आदित्य धर। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो थे आदित्य धर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे वो आयुष्मान खुराना थे। कौन थे? आयुष्मान खुराना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी कीर्ति सुरेश। महानती जो मूवी थी उसकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश थी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक थे अरिजीत सिंह। कौन थे? सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक थे अरिजीत सिंह थे। उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया? यूपी गवर्नमेंट ने दिया था। किसने दिया था? यूपी गवर्नमेंट ने दिया था। किसको दिया था? एम वेंकैया नायडू को दिया था। किसको? एम वेंकैया नायडू को दिया था। उसके बाद पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 को जोकिन फिनिक्स को मिला था। जोकिन फिनिक्स को मिला था। किसको मिला था? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का जोकिन फिनिक्स को मिला था। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगला है, दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन जो है क्या है? कैपिटल सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। दूसरा स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2019 गोवा में हुआ था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगुनाथ है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगुनाथ है। प्रविंद जगुनाथ है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? जोजीविनी टुंजी ने जीता। जोजीविनी टुंजी ने जीता था। जोजीविनी टुंजी ने जीता था। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजीविनी टुंजी ने जीता था। ये दक्षिण अफ्रीका की साठ कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है। ये 66वां कौन सा वो पुरस्कार था? 66वां खिताब था। कौन सा? 66 खिताब था। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है फिनलैंड की। कौन? सना मारीन। कहाँ की? फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री जो बनी हैं वो 34 वर्ष की हैं। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन सी हैं? सना मारीन हैं। और उसके बाद सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री पुरुष में देखोगे तो आपके कौन? राजीव गांधी थे। वो भी 35 वर्ष के थे। 35 वर्ष के थे। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार ये यूपी गवर्नमेंट देती है। किसको मिला हुआ है? ये गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? यूपी के हिंदी कवि जो विश्वनाथ तिवारी को मिला। किसको? विश्वनाथ तिवारी को मिला हुआ है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। यूपी के हिंदी कवि विश्वनाथ तिवारी को मिला हुआ है। लाला लीग। लाला लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं क्या है? लाला लीग। लाला लीग जो स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। लाला लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो गैर फुटबॉलर हैं, रोहित शर्मा को बनाया गया। किसको बनाया गया? रोहित शर्मा को।
फिक्की इंडिया ने हॉकी खिलाड़ी सपोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है, कौन है? फिक्की इंडिया ने हॉकी खिलाड़ी सपोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर कौन सा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? रानी रामपाल और सौरभ चौधरी। किसको? रानी रामपाल और सौरभ चौधरी को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 फिक्की ने चुना है। रानी रामपाल और सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी कहाँ से हैं? ये हैं मेरठ से हैं, जबकि रानी रामपाल भी यूपी के ही हैं। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। रक्षा मंत्रालय की 11वीं डिफेंस एक्सपो, 11वीं डिफेंस जो एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित हुई? ये लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजनाथ सिंह ने की थी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी और ये कहाँ आयोजित हुआ था? यूपी के कानपुर में आयोजित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कानपुर में। 11वीं दिल्ली वार्ता और 6वें हिंद महासागर वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। 11वीं दिल्ली वार्ता और 6वें हिंद महासागर वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता था या ताज किसने पहना था? जमैका की टोनी एनसिंग। ये कहाँ की थी? जमैका की टोनी एनसिंग थी, जबकि ये ब्रिटिश में लंदन में आयोजित हुई थी। जबकि भारत की सुमन राय तो जो थी वो इस तीसरे स्थान पर रही थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों।